कह रही हूँ। भीष्म पितामह भगवान से कहते हैं कि ठाकुर जी मुझे सबसे ज्यादा दर्दनाक मृत्यु हुई है महाभारत में, एक एक रोम में बाण लगा है, मेरा अपराध तो बताइए। मुझे तो लगता है मुझसे बड़े अपराधी दुर्शासन था, मुझसे बड़ा अपराधी दुर्योधन था, मुझसे बड़े अपराधी ये कौरव के सब सैनिक थे। मैं तो बड़ा धर्मात्मा, नियम से रहने वाला, आपका स्मरण करने वाला, धर्म का पालन करने वाला। अरे धर्मराज युधिष्ठिर भी कभी कभी भीष्म पितामह के चरणों में बैठ करके पूछते थे धर्म का निर्वहन कैसे किया जाए, पितामह भीष्म बताते थे। ऐसे पितामह भीष्म की इतनी भयानक, इतनी भयावह मृत्यु। बोले ठाकुर जी एक भी नहीं, दो भी नहीं, 10 भी नहीं, आपने असंख्य बाण मरवाए मुझको। मुझे समझ नहीं आता मेरा अपराध क्या था, क्या इतना बड़ा अपराध था कि ऐसी मृत्यु हो। पहले तो भगवान ने यह क्लियर किया कि जरूरी नहीं है कि किसी की मृत्यु यदि बहुत भयावह हो तो यह निश्चित है कि उसका कोई अपराध ही रहा होगा। मृत्यु तो मौका देखती है बंधु। कई लोगों को मैंने कहते सुना, महाराज जी वो तो बड़ा भजन करते थे, कथा सुनते थे, एक्सीडेंट में मर गए। मृत्यु मौका देखती है, मृत्यु ये नहीं देखती कि मैं जाऊं कैसे, बैठे बैठे चली जाऊं, सोती सोती चली जाऊं या कैसे जाऊं, ये नहीं देखती है मृत्यु। मृत्यु मौका देखती है बस। लेकिन दूसरी बात भगवान भीष्म पितामह से कहते हैं, पितामह आप कैसे कह सकते हो कि आपका कोई अपराध नहीं। बोले 100 जन्मों का तो मुझको याद है कि मैंने कोई अपराध किया नहीं। भगवान बोले 101वां जन्म भी तो हो सकता है। 100 जन्मों का आपको याद है, 101वें जन्म की याद है आपको। पितामह बोले नहीं, 101वें जन्म की याद नहीं। तब भगवान ने 101वां जन्म दिखाया भीष्म पितामह को। पितामह देखो, आप एक राजकुमार थे, छोटे छोटे जीवों को पकड़ करके उनको सुई चुबो के मारना ये आपकी फितरत में था, आपकी आदत थी, आपको अच्छा लगता था। वही हुआ है आज आपके साथ। दूसरी बात, पितामह अगर आप ऐसा मानते हो कि इतनी खतरनाक मृत्यु आपको प्राप्त हुई इसके पीछे आपका कोई अपराध है तो निश्चित है। और वो अपराध क्या है कि आपने अधर्म होते हुए देखा है, आपने अधर्म किया नहीं है, रोकने की सामर्थ्य होते हुए भी आप बैठे बैठे देखते रहे द्रौपदी का चीरहरण। आप यदि अपने आसन से खड़े होकर के एक भ्रगुटी टेढ़ी करके यदि दुशासन को देख लेते, उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो द्रौपदी के चीर को खींच ले। आप जाते हुए भी, जानते हुए भी आप बैठे रहे। बोले जब द्रौपदी ने मुझको पुकारा तो मेरी सबसे पहली दृष्टि आप पर गई कि क्या भीष्म पितामह ने नहीं रोका। लेकिन जब मैंने आपको देखा कि आप केवल नीची नजर करके बैठे थे, रोक नहीं रहे थे, उसी दिन निश्चित हो गया था कि आपकी मृत्यु कैसी होने वाली है। तो प्राण चलायमान है भैया, आप कितना भी प्रयास कर लो, कितने भी डॉक्टर्स के बीच में रह लो, कितनी भी सर्जरीज करा लो, कितने भी वैक्सीनेशन ले लो, निकल जाएंगे। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। प्राण निकल जाएंगे। तो चला लक्ष्मी पहली वस्तु, चलम प्राणम दूसरी वस्तु, और चलम जीवत यौवनम। हर व्यक्ति चाहता है तीसरी वस्तु कि उसकी युवावस्था कभी ना जाए, वो सदा युवा बना रहे, उसके चेहरे की झुर्रियां कभी ना जाएं, उसको कोई बड़े बुजुर्गों के नाम से ना पुकार दे, मतलब दादाजी ना बोल दे, दादी ना बोल दे। एक बार मैंने अमेरिका में एक माता जी थी 60-65 साल की होंगी, मैंने उनको आंटी बोल दिया। उन्होंने 6 दिन तक मुझसे बात नहीं करी।
जब मैं कथा में आता सब हाथ जोड़ के जैसे आप लोग करते हुए जैसे प्रणाम करते थे, न्यूयॉर्क की बात है। लेकिन वो माता जी आती तो रोज थी कथा में, लेकिन ऐसे देखती थी मुझको। तो अब वहां इतने लोग तो आते नहीं है, थोड़े बहुत लोग रहते हैं। एक दिन मैंने सहजता से पूछा, मैंने कहा माता जी सब बड़े प्रेम से बात करते हैं, आप तो हमको ऐसे देखती हो जैसे हमने आपका कोई गुड़ चुरा लिया हो। नहीं नहीं महाराज जी, मुझे ये बताओ मैं आपको किस एंगल से आंटी दिखती हूँ, आपने मुझे पहले दिन आंटी कैसे बोल दिया। मैंने कहा क्या बोलूँ मैं, मेरा नाम अनीता है, आप स्पष्ट नाम बोलिए। मैंने कहा जय हो, इतने मॉडर्नेशन मेरे अंदर नहीं आई है अभी कि मैं सीधा नाम ही बोलूँ आपका। अरे तो क्या हो गया, आपके बराबर का मेरा नाती है बस। मैंने कहा तो तब भी मैं दादी नहीं बोलूँ आपको। चलम जीवत यौवनम, सबको चाहिए कि हम कभी वृद्ध ना हो, हमसे कोई बड़े संवाद में ना बोले। हर व्यक्ति युवावस्था में रहना चाहता है, नहीं नहीं रह पाओ, आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी का एक दिन तो ये होगा। हम सब तैयारी कर लो इसके, एक दिन तो ये होगा, निश्चित होगा। तो लक्ष्मी जिसको कोई नहीं चाहता कि मुझसे दूर जाए, एक दिन चली जाएगी। प्राण जिसको कोई नहीं चाहता कि मेरे कभी निकले, एक दिन निकल जाएंगे। युवावस्था जिसको कोई नहीं चाहता कि कभी मेरे से दूर जाए, चली जाएगी। चला चलेति संसारे, संसार की हर वो वस्तु जो आपको अति प्रिय लगती है एक दिन आपसे दूर हो जाएगी। पत्नी से प्रेम करते हो, बच्चे प्रिय लगते हैं, व्यापार प्रिय लगता है, धन पैसा प्रिय लगता है, घर परिवार गाड़ी घोड़ा सब प्रिय लगता है, सब छूटेगा। जिस जिसको आप प्रिय का दर्जा दोगे वो आपसे दूर जाएगा। केवल एक वस्तु ऐसी है जिसको प्रिय का दर्जा दोगे और वो कभी दूर नहीं जाएगी, और वो कौन है, श्री गोपाल जी। उनको एक बार प्रिय बना लो, वो कभी आपसे दूर नहीं हो सकते। बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों की रति रही है, सूरदास कहते हैं। चला चलेति संसारे, धर्म एको ही निश्चल। एकमात्र आपका भजन, एकमात्र आपका संकीर्तन, एकमात्र आपका ज्ञान, एकमात्र आपका प्रभु प्रेम, यही है जो कभी निश्चल रहेगा, कभी आपसे दूर नहीं हो सकता। आजमा के देख लो, कभी दूर नहीं हो सकता। और ये तो आज वास्तव में बड़ी अच्छी बात कथा में, मन में कथा में क्या होता है, कई बार अधिकतर ही हम सोच के थोड़ी बोलते हैं, बस बैठ के बोलने लग जाते हैं और कई बार भाव अपने आप ही उत्पन्न होते हैं। आज एक बहुत सुंदर भाव आया कि मानव जिसको प्रिय का दर्जा देगा वो ही उससे दूर हो जाएगा, और ये निश्चित है। जिस वस्तु, जिस व्यक्ति, जिस भाव को प्रिय दृष्टि से देख लेगा कि ये मुझे प्रिय है, पूरी कायनात लग जाएगी उसको आपसे दूर करने में, और निकल ही जाएगी, वो दूर ही हो जाएगी। इसलिए भैया केवल गोपाल जी को अपना मानो, वो कभी दूर नहीं होंगे। बिन गोपाल को नहीं अपना, सब चीज प्रायोरिटी पे बेस्ड होती है। आप किसको देते हो, लक्ष्मी को देते हो, प्राणों को देते हो, अपने यौवन को देते हो, संसार के हर व्यक्ति को देते हो, तो निश्चित है कि इनको प्रायोरिटीज दोगे तो फिर पछताओगे। ठाकुर जी को दो, ठाकुर जी आपकी लक्ष्मी की भी रक्षा करेंगे, प्राणों की भी रक्षा करेंगे, आपके रूप की भी रक्षा करेंगे। वैष्णव भक्तों को देखो आप, 80 वर्ष के भी हो जाते हैं तब भी प्यारे लगते हैं। कभी हमारे ब्रज के संतों को देखो, बड़े बुजुर्ग भी हो गए हों, उनके उनका अंग ऐसे होते हैं जैसे कि आप स्पर्श करोगे तो लगेगा कोई छोटे बालक को छू रहे हो क्या। यह भी एक सुंदर भाव है कि ठाकुर जी को प्रिय मान लो, फिर आपकी जितनी जीवन की वस्तुएं हैं, चाहे रूप हो, यौवन हो, संपत्ति हो, सबकी रक्षा फिर ठाकुर जी करेंगे। कल माधवदास जी का चरित्र सुनाया ना, उनके ज्ञान की रक्षा ठाकुर जी करते थे।
उनके अभिमान की मान की रक्षा ठाकुर जी करते। इसलिए चला चले ते संसारे धर्म एको ही निश्चल। महाराष्ट्र में एक भक्त हुए, उनका नाम था महाराष्ट्र में नहीं गुजरात में नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता केदार राग बहुत सुंदर गाते थे। केदार राग सिद्ध था, रागों में ठाकुर जी को सबसे प्रिय राग है केदार। केदार लो भैया, हमको आता जाता कुछ नहीं है, यही लोग सिखाते हैं भैया हमको, ये हमारे गुरुजन बैठे हैं सब। वाह, ये है राग केदार। हमारे कल यजमान जी कह रहे थे, महाराज जी आपने एक भी पद नहीं सुनाया इस बार, कथा ही कथा सुनाई है, पद तो एक भी गाया ही नहीं। रुको आज एक पद सुना देते हैं, आज तो हम छूट है हमको, अब हम जा रहे हैं ना, हम कुछ भी कर सकते हैं। मीराबाई का एक पद है, अब केदार राग आ ही गया है तो गा लो हमारे साथ, लेकिन शर्त है गाना मेरे साथ पीछे। हाँ मीराबाई कह रही हैं, लागत है मोहे प्यारो जादूवर, लागत है मोहे प्यार, लागत है मोहे प्यारो जादूवर, जादूगर नहीं जादूवर, ठाकुर जी का सबसे प्रिय राग है। नरसिंह मेहता को भगवान कहते हैं कि यदि कोई केदार राग गाएगा तो मैं एक क्षण के लिए पूरी दुनिया छोड़कर उसके सामने बैठ जाऊंगा। तो गाओ, शायद एक क्षण के लिए ठाकुर जी पधार जाएं, सब लोग गाओ। लागत है मोहे प्यारो जादू मेरे, लागत है मोहे प्यार, लागत है मोहे प्यार। ये
जल डूबत ब्रज राख लीनो, जल डूबत ब्रज राख लीनो, जल डूबत ब्रज राख लीनो, जल डूबत ब्रज राख लीनो। कैसे? हाँ, नख पे गिरिवर धार, जादूवर गोपाल की जय। तो यह है राग केदार। ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, इतना प्रिय है कि ठाकुर जी नरसिंह मेहता से कहते हैं कोई भी एक बार गा दे तो मैं निश्चित आता हूं, एक क्षण के लिए उसके सामने बैठता ही बैठता हूं। तो एक क्षण के लिए ही सही आज कथा के विश्राम में राधा रमन जी पधारे होंगे, कथा में अभी घूम घाम के चले गए होंगे, क्योंकि इतना भी जरूरी नहीं कि सब जगह केदार गाया जा रहा होगा इस समय। हाँ, मुजफ्फरनगर में तो गवा, तो ठाकुर जी पधारे।